नगर निगम और निकाय चुनाव के शंखनाद के साथ ही जिले में सियासी पारा ऊपर चढ़ने लगा है। इसी बीच चंदनगर नगर निगम के 33 वार्ड से विभिन्न राजनीतिक दल के 113 उम्मीदवार चुनावी मैदान में अपनी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और इन्हीं 133 उम्मीदवारों के बीच एक निर्दल उम्मीदवार भी झांसी की रानी की तरह अकेले ही चुनावी मैदान में कूद पड़ी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दस्तक भारत न्यूज। हम आपके बीच एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जिसे देखकर आप राजनीति को दलदल कहना जरूर भूल जाएंगे। आपको भी यह खबर से अनुप्रेरणा मिलने वाली है। जिले में राजनीति का सृजन बनकर उभर रहे हैं कुछ निर्दल उम्मीदवार। चंदनगर निगम चुनाव के 33 वार्ड से विभिन्न राजनीतिक दल के 113 उम्मीदवार चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 33 वार्ड 113 उम्मीदवारों के बीच एक निर्दल उम्मीदवार लिपि शर्मा भी चुनावी मैदान में उतर पड़ी हैं। चंदनगर लक्ष्मीगंज बाजार की स्थानीय निवासी 32 वर्षीय लिपि शर्मा झांसी की रानी की तरह युवा अवस्था में चुनावी रणभूमि में कूद पड़ी हैं। चंदनगर सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ाई और कोलकाता यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट करने वाले लिपि की पढ़ाई के साथ समाज सेवा में रुचि रही है। वह एक एनजीओ की मदद से आसपास के आर्थिक अभाव ग्रस्त बच्चों को निशुल्क शिक्षा प्रदान करते आ रही हैं। लिपि ने कहा कि राजनीति में आने का मकसद मानव अधिकारों की रक्षा करना है। एक महिला होने के नाते मेरा एक ही उद्देश्य है कि महिलाओं को सशक्तिकरण बल देना, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना और 6 नंबर वार्ड को क्राइम मुक्त करना, ताकि कोई भी मनुष्य एक महिला की तरफ गंदी नजर से ना देख सके। पीड़ितों को न्याय दिलाना, आर्थिक कमजोर को मदद करना और महिला सशक्तिकरण को बल देना है। जन जन में शिक्षा का विस्तार करना है, युवाओं को राजनीति की तरफ प्रेरित करना है। आज के बच्चे कल का भविष्य हैं, उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ना। कहा कि कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की एक कविता, जोदि तोर डाक सुने के ना आसे तबे एकला चलो रे, यही उनकी अनुप्रेरणा रही है। वार्ड निगम के 6 नंबर वार्ड से पहली बार एक निर्दल उम्मीदवार के तौर पर अपनी किस्मत आजमा रही हैं। उन्हें अपने ऊपर पूरा भरोसा है कि जीत उन्हीं की होगी। अगर उन्हें जनप्रतिनिधि बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो सबसे पहले महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में बल देगी। निगम के 33 वार्ड में विभिन्न राजनीतिक पार्टी के प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। इन सबके बीच एक युवा निर्दल उम्मीदवार लिपि शर्मा अपने वार्ड से अपने धुरंधरों को चुनौती देते नजर आ रही हैं। उनका मकसद शिक्षित एवं युवा वर्ग को राजनीति से जोड़ना और प्रेरित करना है। अक्सर सभ्य शिक्षित युवा राजनीति को दलदल समझते हैं। लिपि शर्मा का मानना है कि हमें इस सोच को बदलनी होगी। हमें युवा अवस्था में समाज के लिए कुछ कर गुजरना होगा। चुनाव लड़ने के लिए किसी पार्टी के बैनर की कोई जरूरत नहीं है। यदि बिना किसी स्वार्थ के आप जनता के दिल में जगह बना सको, लोगों के लिए कुछ कर सको, तो आप निर्दल से चुनाव जीत सकते हो। मेरा नाम लिपि शर्मा है, मैं चंदनगर 6 नंबर वार्ड की निवासी हूँ। मैंने अपना स्कूल किया है सेंट जोसेफ कॉन्वेंट चंदनगर से, मास्टर्स किया है कलकत्ता यूनिवर्सिटी से और कॉलेज किया है सुरेंद्रनाथ कॉलेज कलकत्ता से। राजनीति में आने का उद्देश्य, देखिए ये जो सोच है ना, ये सोच ही मुझे बदलनी है। आज एजुकेटेड लोग, शिक्षित लोग जितने भी हैं, राजनीति में क्यों नहीं आना चाहते? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि राजनीति एक दलदल है। मैं उसी दलदल को साफ करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि लोगों की सोच बदले, लोग इंटरेस्टेड ले, ताकि आज की युवा पीढ़ी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेके इस सोच को बदले और नए जनरेशन के लिए नए इम्प्रूवमेंट लाए। भाई है, हर एक घर के लोगों में मेरे साथ खड़े हैं, उनके साथ के साथ ही मैं आगे बढ़ रही हूँ। मुझे कॉन्फिडेंस है 100% कि मैं जीत रही हूँ और उनके साथ जीत रही हूँ, उन लोगों के लिए जीत। उससे पहले से मैं करीबन 100-150 बच्चों को पढ़ाती थी एक साथ, जो स्कूल नहीं जा सकते थे, जिनके पास किताबें नहीं होती थी, उन सबको मैं पढ़ाती थी। कोरोना के टाइम भी मैंने पढ़ाया है, जिस तरह से जितनी कोशिश कर सकती हूँ उतनी कोशिश करके पढ़ाया है, 10 जन करके, 12 जन करके, टाइम अलग अलग करके। हर बच्चे को जिनकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं थी, जो स्कूल नहीं जा सक रहे थे, किताबें नहीं खरीद सक रहे थे, उनकी हेल्प की है मैंने। और आज मुझे लगता है वो सब प्यार ही मुझे यहाँ तक ले